हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड की ओर से जो 8वीं का कल एग्जाम खत्म हुआ, 24 तारीख को जो एग्जाम खत्म हुआ, तो उसका क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया है। तो उसका मैं आंसर निकाल के रखा हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मैथ का जो सही आंसर होगा, मैं सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोटल जो 20 क्वेश्चन आया था मैथ में, तो उसी का आंसर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोग मिलाते जाइए कौन कौन से आंसर आप लोगों का सही हुआ है और कौन कौन से आंसर गलत हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 का व्युत्क्रम होगा, 7 का व्युत्क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन में 4 को दिया गया है ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/7, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 900 का वर्गमूल होगा, 900 का वर्गमूल कितना होगा? 900 का वर्गमूल 30 होगा। नेक्स्ट देखिए, 1000 का घनमूल है, 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x का पावर दिया गया है 0, तो इसका मान कितना होगा? किसी भी संख्या का अगर मान लीजिए पावर 0 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या को उठा ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 78 का पावर 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1। तो यहाँ x का है, तो x का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1। 39 का व्यापक रूप है, 39 का व्यापक रूप कितना होगा? 10। जैसे देखिए, 3 3 दहाई में है, तो इसमें 10 गुना होगा, और 9 इकाई में है, तो 9 इकाई कितना हो जाएगा? 9 होगा, 1 गुना 9, और 3 दहाई है, तो 10 गुना 3 होगा, तो 3 दहा 30 और 9 जोड़ने से 39 हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, 15 मीटर माइनस 5 m² एवं 6 m² माइनस 13 m का योगफल होगा। योगफल का बात किया गया है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा m² प्लस 2m। मैं आंसर का जो आंसर है, तो आंसर डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करने से बहुत समय लग जाएगा, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, आप लोग बस ये आंसर को मिलाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। 3x + 3 में से 3x - 1 घटाने पर प्राप्त होगा, घटाने से आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a² - 2ab + b² का गुणनखंड है, इसका जो सही गुणनखंड होगा a + b * a - b। a + b * a - b का सूत्र क्या है? a² - 2ab + b² होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 49 को देखिए। 91y³ / 13y का भागफल है, इसको अगर भागा करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2x - 1 = 3 में x का मान होगा, x का मान कितना होगा? x का मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या x और 5 का योग 12 है, तो जो समीकरण होगा, समीकरण क्या हो, क्या बोला गया है? संख्या x और 5 का योग 12 है, तो x और 5 को जोड़ने से 12 तो हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया है सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, एक फ्रॉक का मूल्य ₹440 है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, तो इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। कितना, क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ₹440 फ्रॉक का मूल्य है और 20% बट्टे, तो 20% बट्टे यानी कि 100 में, यानी कि 100 में 20%, ठीक है, 100 में 20% डिस्काउंट हो रहा है, तो ₹440 रेट था, तो इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो कितना? 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 44 गुना 2 गुना करने से कितना आ जाएगा आंसर? ₹88 आ जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, 8 kg चीनी का मूल्य ₹240 है, 330 रुपया में कितने केजी चीनी प्राप्त, कितनी केजी चीनी प्राप्त कर सकते हैं? तो 240 में, 240 में चीनी 8 किलो चीनी मिलता है, ₹240 में 8 किलो चीनी मिलता है, तो 330 में कितना मिलेगा? 330 में कितना मिलेगा? तो 8/240 गुना 330 कर दो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 11 kg आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, दी गई आकृति में x का मान होगा, यहाँ पर दिया गया, एक में दिया गया 140 डिग्री, त्रिभुज का बाह्य कोण है, इसमें है 120 डिग्री, तो इसमें कितना डिग्री हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों को जोड़ने से 360 डिग्री होता है, तो 120 और 140 को जोड़ रहे हैं तो 260 हो रहा है, तो और कितना बच रहा है? 100 बच रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री।
दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक द्विमीय नहीं है, मतलब मतलब 2D नहीं है बोला गया है। तो त्रिभुज जो है 2D आकृति है, वर्ग भी 2D है, आयत भी 2D है, शंकु जो है ये 3D आकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4 इसका सही आंसर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा, तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका सही आंसर। एक घनाव जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों घनाव का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है 2 × L + B × H, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्गांतराल 20 25 की माप है, वर्गांतराल क्या होता है, तो इसको अगर घटाएंगे 25 में से 20 तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यही होता है वर्ग की माप, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 5 इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु P 5 4 का एक्स निर्देशांक भुज है, तो P का बात क्या गया, P का एक्स निर्देशांक, तो P का एक्स निर्देशांक कितना होगा, 5 होगा, 5 हो गया एक्स और 4 हो जाएगा वाई, वाई का अगर पूछता तो 4 होता, यहाँ पर बोला गया एक्स का निर्देशांक, तो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सोशल साइंस का और साइंस का आंसर की, आप चाहें तो मेरा वीडियो मेरा चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा, इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो शायद आज ही कर दूंगा, 4-5 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो इंग्लिश को भी देख सकते हैं, आंसर की मिला सकते हैं, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम में जो मार्क्स आने वाला है, ग्रेड आने वाला है, कौन सा ग्रेड आने वाला है, कौन कितने मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।